Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So, फिलहाल का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि नवरात्रों में मेरी बुआ ने पाठ बिठाया था और आज अष्टमी है, सो आज उसका समापन हो जाएगा. सो इसलिए आज वहाँ हवन भी है, सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं. सो अब मैं फिलहाल जल्दी से रेडी हो रहता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे रेडी होने के बाद. सो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी अपनी बुआ के घर जाने के लिए. सो अब निकलते हैं जल्दी से क्योंकि मम्मी लोग नीचे वेट कर रहे हैं. लेट्स गो. चलो ओ श्री कहाँ लगाओगे गाड़ी? सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अपनी बुआ के घर और मेरी बुआ ने नवरात्रों में पाठ बिठाया था और आज उसका समापन है. तो सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, हो जाए हो. और ये है हरियाली, ये कटेगी अभी आपकी हवन के बाद. गाइज आप इनको देख रहे हो, इन पर भी माता आ रखी है, हमारी राजाश्री माता, और ये सबके सवालों का जवाब देती हैं. आप जो इनसे पूछ रहे हैं इन सबके सवालों का जवाब देती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बताती हैं. क्या कर जाइए, ये हवन सामग्री की तैयारी हो रही है. अच्छा, हवन के लिए बहुत आवश्यक. अच्छा, प्रभु को बहुत प्यारी. अच्छा, उसको जितना अच्छा और दिल से करो उतना अच्छी आपको आशीर्वाद मिले. अच्छे आशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल. कितनी मेहनत से लगे पड़े हैं. तो फाइनली गाइस हवन शुरू हो चुका है. लटलीफ लोग इतनी लेट लेट में आ रहे हैं. कहाँ थे दीदी आप? मार्केट. क्या कर रहे थे मार्केट में? शॉपिंग. शॉपिंग किस चीज़ की? शॉपिंग. शॉपिंग दिवाली की? शॉपिंग नहीं. अच्छा, फिर नवरात्रि का. ये हमारे मामा जी. हम यहाँ व्यवस्था करने पे लगे हुए, देवी का हवन हो रहा है. ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं. हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो और भी हैं, तो हमारा द्वितीय स्थान है. अच्छा, द्वितीय स्थान. और ये हमारे ताऊ जी. ये भी मैनेज कर रहे हैं, इधर मैनेजर है, यहाँ पे मैनेज करते हैं चीज़ें. ये हर फंक्शन में मैनेजर का रोल प्ले करते हैं. भाभी होगी मन की शुद्धि? मन की शुद्धि चल रही है? मन तन की शुद्धि? अच्छा. देखो गाइस जब माता आती है तो दीदी इसका क्या महत्व होता है, इसे इसको एक बारी अन लेते हैं. तो पंडित जी बताइए क्या होता है इसका जो महत्व है. हाँ जी, इसका महत्व है कि जो ब्रह्मा जी हैं, अच्छा, उन ब्रह्मा जी की इजाजत से. अच्छा, ये सारे लोग जिसके बंधन में हैं, ओके, ये हवन करेंगे. जो इसके बंधन में नहीं है उसे हवन में, फिर हवन में जो है अच्छा वो डालने की इजाजत नहीं थी. अच्छा, उस टाइम नदियां उल्टी बहती थी, मतलब समुद्र से ऊपर को चलती थी, इतना डर था उनका. उस डर को समाप्त किया था देवी ने, ये लिखा हुआ है सरितो मार्ग वाहिन्या, तब जाके नदियों ने सीधा रास्ता पकड़ा. उसके डर के हमारे उल्टी चलती थी, जब वो मरा तब जा करके ये हुआ. ये जो 11वां अध्याय है ये स्तुति है. ये देखो ये दूसरे लेट लतीफ लोग. ये हवन ये जब एंड होने वाला है तब आ रहे हैं, देखो ये लोग. सो अभी फिलहाल आरती हो रही है और इसी के साथ ये पूरा हवन समाप्त हो जाएगा. ये अष्टमी जो चल रही थी ये पूरी समाप्त हो जाएगी और इसके बाद हरियाली कटेगी. नारियल वाले शाशा लग जा तू भी काम पे. फोड़ने के अंदर ही है ना ये, यही तो तोड़ो वाले, कहीं भी तोड़ो, इन्हें फोड़ने का अंदर. ये देखो बड़े बड़े लोग आरती लेके घूम रहे हैं. जय हो. कौन सा इससे करते हैं? जय हो जय हो. कार की चाबी डाल दूं? ये चलेगी. ये है हमारी भाभी. और कैसा फील हो रहा है आपको भवन में? पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है? बहुत ज्यादा. एकदम संत बन गए एकदम. संत पहले से. अच्छा, मतलब जितनी भी गंदगी थी मैल था सब निकल गया आज. वो तुम्हारे पास. ढोलक नहीं बजाएगी तू? अब चुन्नी तो पहन ली, अब ढोलक बजा. नहीं बजाना आता है? बजाना आता तो होगा. अरे जो बजाते हैं ढोलक, जब पूछ के आके मेरा ढोलक कहाँ है, ढोलक बजाते हैं कि इसको पहन के? अच्छी बात नहीं होती वैसे. थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा और. ले 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 ले. अच्छा लास्ट बार, लास्ट बार.
और कैसा लग रहा है अब हवन करके? बहुत अच्छा, थकान थोड़ी है। अच्छा, लेकिन एंजॉय, पॉजिटिविटी फील हो रही है अब। हाँ, हमें पहली बार बहुत दिनों बाद लगा कि हमारे धार्मिक जो ये अवसर है उनमें कितना उत्साह है। हम ही नहीं, वातावरण भी शुद्ध हुआ। सही बात है, बिल्कुल। और हम तो अपना धर्म है ही हमारा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं रशियंस वगैरह, वो कितना धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए हिंदुइज्म कितना अपना रहे हैं वो लोग। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वैज्ञानिक ने कहा है कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर जितना देता हूँ, अच्छा, हर बार मुझे लगता है कि वेदों ने सही लिखा। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देख नहीं सकते, लेकिन उनके कम्बिनेशन से ये सब बना है। यानी कि बेसिकली अगर तोड़ा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ दें, कुछ नहीं। और वेद भी यही कहते हैं, सब कुछ नहीं, सब सूक्ष्म है, सब शून्य है, सब कुछ शून्य में आता है, शून्य से जाता है। और शून्य भी हमारा ही दिया हुआ है। और ये है हमारी दीदी। दीदी कैसा कैसा फील हो रहा है आपका? ये तो थोड़ा इधर आओ, आप थोड़ा इधर आओ। मतलब पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है अंदर से, है ना? थकान लग गई होगी? थकान लगी? बिल्कुल भी नहीं, मजा आ रहे हैं। मतलब जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा हिट इसी में जाना चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल अभी देखो गरम गरम पूरी निकाल रहे हैं। और क्या है? कद्दू। कद्दू यार डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है तो, एकदम पूरी और कद्दू का। ये देखो सब बैठे हैं खाने के लिए और भाभी सर्व कर रही है खाना। ये देखो क्या क्या बना हुआ है खाने में। छोले है और वो कद्दू है, ये रायता और ये है हलवा, ये गोभी, ये देखो है। ये जस्ट अभी पहुंची और देखो इसकी प्लेट सज गई है। ये देखो इस लड़की की प्लेट सज गई इतनी जल्दी। ये देखो सबका हिसाब रखा जाएगा कौन कितना खा रहा है। दो पूरी अभी दिखाने के लिए, दो पूरी बाद में और आएंगी इसमें। घर की बहू, बड़ी बहू की जिम्मेदारी है पानी भरने की। बताओ कितना, आठवां दिन है ना आज, अष्टमी है ना आज, हाँ आठ दिन से लगी हुई है। बताओ थकते नहीं हो आप? नहीं, देवी माँ की कृपा है। बताओ घर की सबसे छोटी लड़की को खाना नहीं मिला, ये ले तू यारा, तू ले ले। देखो पैसे ले रहे, देखो पैसे, ये देखो देखो ये देखो इस भी आ गए। पार्टी आज तो, पार्टी आज तो, यहाँ से भी पार्टी, यहाँ भी पार्टी, यहाँ दो बार पार्टी। और ये है माता रानी चंडी का, और ये है प्यारो। ले भाई पूरी यहाँ से भी ले सकती है तू, उठा ले पूरी। ये देखिए ये भैरो से देखिए। खाना तो नहीं दिखाया मेरा, ये मेरा नहीं है, दो जनों का खाना है। ये दो जने खाने वाले हैं। पंडित जी, पंडित जी आप कुछ हेलो बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आशीर्वाद है दोस्तों, आशीर्वाद ताकि इसका ब्लॉग हिट रहे, ब्लॉग हिट हो जाए बस। जय भाई, हाय बोलो, हाय। ये है भैरव जी के पापा और ये है माता जी। सुंदर, ये सारे भैरव बैठे हैं, भैरव ये माता रानी है, भैरव जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो। कैसा लगा आप लोगों को बहुत बेहतरीन नवरात्रि का इस प्रोग्राम था? माता रानी घर पे थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक ही पूरी खाई अभी तो मैंने। जाजी कैसा लग रहा भोजन? अलग ही स्वाद आ रहा होगा आज मेहनत के बाद। यही खाना आज कुछ अलग ही लग रहा, टेस्ट दे रहा होगा। भाभी बोलो, तुषार बोल, मिष्टी बोल, जय माता दी बोलते ना, मैं नहीं सुनया। अंडा जी क्या हो रहा है अभी?
ये हमारे गढ़वाल के रीति रिवाज के अनुसार जो है क्षेत्री कहा जाता है और अष्टमी के दिन क्षेत्री को काट करके देवी को चढ़ा करके भक्तों प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अच्छा, इसे लोग सिर में कान में इसलिए रखते हैं ताकि अटक जाए। माता राजराजेश्वरी है। अच्छा, और ये हमारे विधान के अनुसार आज अष्टमी के दिन इनकी संपूर्ण पूजा हवन इत्यादि होकर के और ये हरियाली को काट करके माता जी को चढ़ा करके सभी भक्तों में बांट दिया गया। अच्छा, ये रोट प्रसाद इत्यादि सब कुछ है, पहले माता जी को समर्पित किया जाता है, इसके बाद कन्या जमाई जाती है। अच्छा, ये देखो हमारी लेडीज का डांस सेशन चल रहा है। दो विश्व सुंदरी एक साथ नाचते हुए, एक मीना नेगी, एक रेनु रावत, तीसरी विश्व सुंदरी यहाँ खड़ी हो रही है हमारे साथ। सो फाइनली गाइज, निकल चुका हूँ मैं अपने घर के लिए आफ्टर लॉन्ग डे, काफ़ी थक चुका हूँ। सो अब घर जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद रात की जॉब की तैयारी अपनी। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा घर में, कपड़े चेंज करूँगा, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और अब थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। रात को फिर अपने ऑफिस के काम पे बैठेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।